नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़, मोती महल रेस्टोरेंट सेंट्रल बैंक के नीचे, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के हिस्ट्री शीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर का दो मकान जिले की पुलिस ने कुर्क किया है। हिस्ट्री शीटर की प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी सामने आई है। जिले के एसपी अनुराग आर ने पुष्टि करते हुए बताया कि गैंगस्टर शाहजमा की संपत्ति जिसकी मार्केट वैल्यू 3 करोड़ रुपए है को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। जिले के थाना बरदा के हिस्ट्री शीटर अपराधी शाहजमा उर्फ नैयर जो कि आईएस 191 मुख्तार अंसारी गैंग का निकट सहयोगी है, वर्तमान में जेल में बंद है। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि अभियुक्त शाहजमा उर्फ नैयर वर्ष 1990 से अपराध जगत में सक्रिय है। कुख्यात अपराधी है जिसका जनपद स्तर पर पंजीकृत सक्रिय गैंग D72 है। अपने गैंग के सदस्यों के साथ गठजोड़ कर जनपद आजमगढ़ व आसपास के जनपदों में भी अपराध कार्य करता रहता है। जिले के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट जैसे गंभीर अपराध करने के संबंध में 24 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की विवेचना में पता चला कि अभियुक्त द्वारा समाज में भय पैदा कर कीमती संपत्तियां अर्जित की है। पुलिस की विवेचना में पता चला कि अपराध में संलिप्तता के कारण संपत्ति बनाई है। इसके साथ ही अपराधी द्वारा ग्राम बिलऊ तहसील मार्टिनगंज में एक भूखंड खतौनी खाता संख्या 62 में अंकित गाटा संख्या 952/0.471 हेक्टेयर के साथ ग्राम मोहम्मदपुर फेटी तहसील मार्टिनगंज में एक भूखंड खतौनी खाता संख्या 132 के गाटा संख्या 372/0.239 हेक्टेयर इसके साथ ही मोहम्मदपुर फेटी में आबादी की जमीन में स्थित दो मंजिला मकान सब मिलाकर वर्तमान कीमत 3 करोड़ से अधिक है, जिसे 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कराया गया। इन घरों को आपराधिक गतिविधियों के संचालन व अपराधियों को शरण देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आईएस 191 मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग D72 जो जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत है, इसके सरगना शाहजमा उर्फ नैयर जो कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, इसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा 2020 में थाना बरदा में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना वर्तमान में SHO मेनाजपुर के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसके द्वारा 1990 से लेकर लगातार अब तक अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिससे कुछ जमीनें भी खरीदी गई हैं और प्रॉपर्टी बनाई गई है। इस क्रम में 3 प्रॉपर्टी इसकी सामने आई, जिसमें 2 भूखंड हैं और 1 2 मंजिला मकान है। इस मकान को इसके द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए और उसके साथ साथ अपने सहयोगी गैंगों के और अपराधियों के को शरण देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इन तीनों प्रॉपर्टीज की कीमत वर्तमान में लगभग 3 करोड़ रुपए है, ये मार्केट मूल्य है वर्तमान का। इन तीनों प्रॉपर्टीज को जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के क्रम में 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर दिया गया है। आज SDM और CO लालगंज की टीम के द्वारा मौके पर जाकर ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। भविष्य में भी हम लोग जितने भी इस प्रकार के अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में जो भी उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित की हैं अपराध के माध्यम से, उनको लगातार कुर्क कराते रहेंगे और किसी भी प्रकार से किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। घर पर दबंगों के हमले का वीडियो बनाया और फिर कार्रवाई के लिए 3 माह तक दौड़ता रहा, लेकिन उसके बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। थक हार कर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला आजमगढ़ के निजामाबाद थाना के मुकंदपुर टप्पा कोठी का है। गांव निवासी अब्दुल करीम के अनुसार वो अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर खिड़की बनाना चाहता है और उसे बनवा रहा था, लेकिन दबी पड़ोस के हाफिज खान, सुल्तान, गुल्तान, जिक्र आलम, शर्मन और अन्य लोग लाठी डंडा लेकर घर में घुस गए, महिलाओं को पीटा, बदसलूकी की, तोड़फोड़ की और खुलेआम धमकी भी दी। इसकी शिकायत स्थानीय थाना व पुलिस चौकी पर भी की, लेकिन भरोसा देकर टालते रहे। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपित के परिवार के लोग सऊदी अरब रहते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जिसका फायदा उठाते हैं। चौकी प्रभारी को भी मिल लिया। जब 3 माह तक न्याय नहीं मिला तब SP के यहाँ आए हैं। ये है कि ये लोग मेरे घर के अंदर घुसे और मेन दरवाजे से चैनल से घुस करके इसके बाद अंदर गए, औरतों से मारपीट किया, अकेले हरकत करने की कोशिश किया। जब शोर मचाया तो हम लोग दौड़ करके ऊपर से आए। इसके बाद ये लोगों ने मेरी खिड़की तोड़ कर गिरा दिया और 2 खिड़कियों तोड़ के गिरा दिया। खिड़की जो है बनने नहीं दे रहे हैं
और इसके बाद जो है क्या नाम है गाली देते हुए चले, धमकी दिया है कि जान अगर खिड़की खोलोगे तो जान माल की धमकी देते हुए चले गए। और मैं थाने पर आज तीन महीने से दौड़ रहा हूँ लेकिन मेरा मुकदमा जो है नहीं लिखा गया क्योंकि ये लोग घर के अंदर आ करके और औरतों के साथ उठा पटक किए हैं, असली हरकत करने की कोशिश की है। जब बाकी लोग दौड़े, हम लोग दौड़े, सब लोग धमकी देते हुए निकल करके भाग गए। ये लोग कौन हैं? ये लोग विपक्षी गण हैं, हमारे बगल के रहने वाले हैं। नाम क्या है उनके? इन लोगों का नाम बताओ। चाहते क्या आप? हम चाहते हैं कि हमारा मुकदमा कायम हो और खिड़की हमारी लगनी चाहिए। दोनों अंधेरा रहता है इसलिए खिड़की हमारी ऊपर लगी हुई है, हमारा ऊपर दरवाज़ा लगा हुआ है, नीचे हम खिड़की रोशनी के लिए खोलना चाह रहे थे और ये लोग खोलने नहीं दे रहे हैं। ये लोग सारी लीपापोती कर लिया और मैं दौड़ते दौड़ते आज दो महीने तीन महीने। एसपी साहब से मिले हैं तो क्या कहें? क्या एसपी साहब ने कहा है? इंस्पेक्टर साहब से बातचीत किया, इंस्पेक्टर साहब ने अपने स्तर से जो बातचीत किया वो बताया है। और इसके बाद जो है साहब ने कहा है कि 504 का मुकदमा कायम कर दो। तो चूँकि उन लोगों ने हरकत किया है, घर के अंदर घुसे हैं, 452 है, औरतों के साथ उठा पटक किया, असली हरकत की है, उसमें तमाम धाराएं लगनी चाहिए। तो 504 से थोड़ी ही काम चलेगा। जो घटना है वीडियो हमारे पास है, बनाया फोटो उनको दिखाया है, सब कुछ, हमारा मुकदमा कायदे से कायम होना चाहिए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा बढ़ाई जाएगी, उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विवाद का कारण जानने के लिए भी जांच कराई जा रही है। बात का एक वीडियो आप लोगों के माध्यम से प्रकाश में आया है जिसमें दो पक्ष हैं जिनके आपस में मारपीट हो रही है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा ऑलरेडी परसों ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा एसएचओ को निर्देश दिया गया है कि जो भी मेडिकल में डॉक्टर्स के द्वारा रिपोर्ट बताई जाएगी उसके आधार पर धाराओं की बढ़ोतरी या घटोतरी जो भी होना है वो हो जाए और नियमानुसार 41 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो भी अभियुक्त इसमें शामिल है। विवाद का क्या कारण है इसके लिए भी एक अलग से एसएचओ को जांच दी गई है ताकि उस विवाद का निराकरण कराया जा सके और साथ साथ में प्रिवेंटिव कार्रवाई के लिए भी एसएचओ को मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। प्रदेश के साथ ही आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के लगातार कमजोर होने से पूर्वांचल के इस महत्वपूर्ण जिले में भारतीय जनता पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के गढ़ से उसे सीधी चुनौती दे रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में 9 दिसंबर को आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर परशुरामपुर में दिन में 11 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आगमन हो रहा है। कार्यक्रम के बाबत जानकारी देते हुए जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र राय ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की जनसभा ऐतिहासिक होगी। करीब 50,000 जनता जनार्दन को प्रदेश अध्यक्ष संबोधित करेंगे और पार्टी नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। भाजपा नेता ने बताया कि जनसभा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। गोपालपुर विधानसभा सीट पर भी जातिगत बंधन तोड़कर कमल खिलेगा क्योंकि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों, शोषितों और वंचितों के हित में तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बीजेपी विकास के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जीत दर्ज करेगी। भाजपा नेता सतेंद्र राय ने पूर्व सांसद रमाकांत यादव की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि इस बार जिले की सभी विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए वो राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी करें। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी कि जिले की एक भी सीट बीजेपी जीत गई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये परशुरामपुर बाजार से सटे हुआ नारायणपुर है, मेन रोड पर ही, वहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की सभा है जिसमें वो गोपालपुर की जनता को जो है संबोधित करेंगे और हम सभी लोगों को मार्गदर्शित करेंगे। कितने बजे कार्यक्रम है और कितनी भीड़ इकट्ठा होने को मिलेगी? 11 बजे का कार्यक्रम है और लगभग पूरी संभावना है। अच्छा, जैसे गोपालपुर विधानसभा भाजपा के लिए हमेशा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, इस बार है तो क्या योजना है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है सारी जातियों का बंधन टूट चुका है क्योंकि माननीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो गरीबों के हित में और शोषितों के वंचितों के हित में चलाई जा रही तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव जन-जन के पास पहुंच करके और उन योजनाओं के माध्यम से गरीबों को मजलूमों को उसका लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा है। और हम अपने काम के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है उसके आधार पर, जो उसने गरीबों को उनके लिए जितने भी योजनाएं चलाई हैं उसके आधार पर क्षेत्र में जाएंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय क्षेत्र में लगा हुआ है। गांव-गांव जन-जन में यह भावना भी जागृत हो चुकी है कि इस बार गोपालपुर में कमल का फूल जरूर खिलेगा और निश्चित तौर पर खिलेगा। सत्यन जी, आप कमल खिलाने की गोपालपुर में बात कर रहे हैं और कल पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी का बयान था, हम ही लोगों ने बयान दिया था कि आजमगढ़ में अगर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमने भी सुना है, अभी हमने इस वीडियो को या इस वक्तव्य को देखा नहीं है और मैं देखूंगा उसके बाद जो है, लेकिन जो सुनने के आधार पर मैं बता रहा हूं कि रमाकांत यादव जी जिस बात को कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इस बार उनको संन्यास लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 में 10 सीटें जीतने जा रही है और बहुत बड़ा उलटफेर आजमगढ़ में होने जा रहा है। क्या आपका आधार क्या है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपरीत रहा है आधार की बात करते हैं, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो हैं यहाँ से सांसद रहे, न कोविड में आए, न कभी उनका दर्शन हुआ, कहते हैं कि समाजवादियों का गढ़ है, आज तक कोई भी ऐसी बड़ी परियोजना या किसी भी विकास के क्षेत्र में आप देख लीजिए, अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद 70 सालों में आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? सिर्फ बात करने से तो होगा नहीं, जाति बंधन टूटने जा रहा है और टूट रहा है आजमगढ़ में, और आजमगढ़ एक नया आजमगढ़ के रूप में आपके सामने जो 2022 में चुनाव के बाद नजर आएगा, इसका हमें विश्वास ही नहीं पूरा भरोसा है। आजमगढ़ के पवई थाना के मित्रपुर में स्थानीय थाना अध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडे के नेतृत्व में पहुंची पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट की निगरानी में राजस्व कर्मियों ने खेत व घर को कुर्क नोटिस करने की कार्रवाई की। इस दौरान बैंड बाजा बजाकर लोगों को सूचना भी दी गई। पुलिस कार्रवाई के दौरान काफी भीड़ मौजूद रही। शराब माफिया अभियुक्त राजेश अग्रहरी व ब्रजेश अग्रहरी उर्फ कल्लू पुत्रगण रामधनी साकिन मित्रपुर थाना पवई की कुल संपत्ति, जिसकी कुल कीमत लगभग 1.5 करोड़ है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ है, का कुर्क का आदेश किया गया है। अभियुक्तों के पिता रामधनी अग्रहरी एक डीजल का पेटी डीलर है। अभियुक्तों द्वारा इसी व्यापार की आड़ में विगत कई वर्षों से अवैध शराब का धंधा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर संचालित करते रहे हैं। अभियुक्तों राजेश अग्रहरी व ब्रजेश अग्रहरी उर्फ कल्लू उपरोक्त द्वारा अपराध जगत से अर्जित किए गए धनराशि से अपने तथा अपनी माता चिंता देवी के नाम से क्रय की गई थी। शराब माफिया अभियुक्त राजेश थाना क्षेत्र पवई के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि अवैध शराब के कारोबार से इनके द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उसका विवरण निकलवाया गया। लगभग टोटल 3 करोड़ के मूल्य की, जिसका वर्तमान में मार्केट मूल्य 3 करोड़ है, इतनी संपत्ति इनकी अभी पता चली है जो इस प्रकार अवैध अपराध से अर्जित की गई है। जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए कुर्की का आदेश प्राप्त किया गया और आज ये पूरी प्रॉपर्टी, जिसमें 9 इनके भूखंड शामिल हैं अलग अलग कीमत के अलग अलग रकबे के, इनको धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आज कुर्क कर दिया गया है और 14(1) के अंतर्गत शराब माफिया व अन्य माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई लगातार पुलिस की जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के गढ़ गोरखपुर में मंगलवार को आयोजित रैली में पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष पर खूब बरसे और उनके निशाने पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी रही। उधर पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में बुधवार को सपा नेताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेताओं ने कहा कि वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जा रही है, जिसे बौखलाकर इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय से सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में नेताओं व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियों के साथ दिखाई दिए। इन तख्तियों पर लिखा था, उत्तर प्रदेश के विकास व खुशहाली का प्रतीक है लाल टोपी, किसानों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने का प्रतीक है लाल टोपी,
जुलूस के दौरान पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। जुलूस पार्टी कार्यालय से कुंवर सिंह उद्यान कलेक्ट्रेट चौराहे नेहरू लाल तिराहा होते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने कहा कि लाल टोपी पर कोई उंगली न उठाए तो ठीक है, क्योंकि लाल टोपी के मैसेज को प्रदेश की जनता ने वर्ष 2012 से 2017 तक देखा है। 5 सालों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो विकास के कार्य किए वो सब लाल टोपी के ही काम है। इस समय लोग सपा के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए हैं। जनसभाओं में अपार भीड़ देखकर इस तरह के बौखलाहट भरे बयान दिए जा रहे हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जनता को भटका रहे हैं। मजदूर भाइयों किसान है, किसानों किसान है, बेरोजगारों किसान है। अनाधिकृत निर्माण व बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने वालों के खिलाफ आजमगढ़ विकास प्राधिकरण लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। एडीए की टीम शहर के कई मोहल्लों में निरीक्षण कर रही है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों में प्राधिकरण ने 50 से अधिक अवैध निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी की है। 14 अनाधिकृत निर्माणों को सील किया गया, 3 के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। 2-3 महीने में जो है कम से कम जो है 50 अनाधिकृत निर्माण चिन्हित करके जो है नोटिसें जो है जारी की गई हैं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 27-28 के अंतर्गत, और उनमें से करीब जो है 14 अनाधिकृत निर्माणों को जो है सील किया गया है अक्टूबर नवंबर में जो है, और ये कार्यवाही जो है आगे भी जो है गतिमान है रहेगी। जो है 3 अनाधिकृत निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जो है की गई है विगत 2-3 महीने में जो है। इधर 2-3 महीने में तो नहीं, लेकिन इससे पूर्व जो है FIR भी जो है की गई है अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध सीजीएम न्यायालय में भी अभियोजन बाद संस्तुत कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ महायोजना के बाबत प्राधिकरण कुछ भी बताने की स्थिति में नजर नहीं आया। सचिव का कहना था कि संदर्भ में अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लंबित है। महायोजना के संबंध में प्राधिकरण ने आपत्ति सुनवाई आमंत्रित किया था, ड्यू कोर्स में उनकी सुनवाई के बाद बोर्ड की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेज दी गई, अंतिम निर्णय उसके संबंध में गवर्नमेंट द्वारा लिया जाना है। अपील यही है कि लोग अवैध निर्माण न करें, मानचित्र स्वीकृत करा करके ही जो है निर्माण जो है करें, और जो मानचित्र जिनके स्वीकृत भी हो जाते हैं वो स्वीकृत मानचित्र के अनुसार रोड वाइडनिंग सेटबैक जो प्राविधानित है उसको छोड़ते हुए निर्माण करें। सर, जो महायोजना का प्रस्ताव दिया गया है उसमें क्या क्या है? देखिए, महायोजना का प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से कुछ भी नहीं है, विचाराधीन है, इसलिए उस पर कुछ प्री टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं उस पर मैंने कहा जो है कि अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है, तो उस पर जो है प्री मेच्योर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जहां आम दिनों में होता है दाह संस्कार, शनिवार को वहां मेला लगा था। साल में एक दिन लगने वाले इस मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। दोपहर बाद ही लोगों के कदम चल पड़े थे राजघाट की ओर। मेले में पहुंचने वालों ने तमसा नदी के पानी से खुद को शुद्ध किया और उसके बाद पुष्पमाला आदि के साथ संतों की समाधि पर शीश झुकाया। हर तरफ उत्साह का वातावरण दिखा। तमसा किनारे राजघाट के मेले में वैसे तो सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। किसी ने तमसा नदी में स्नान किया तो किसी ने हाथ पैर धुलने के बाद संतों की समाधि पर फूल माले के साथ कच्ची खिचड़ी और बताशा चढ़ाकर शीश झुकाया। उसके बाद लोगों ने मेले का आनंद उठाया। सैकड़ों साल से लगने वाले इस मेले के इतिहास के बारे में तो लोग नहीं जानते, लेकिन यहाँ की विशेषता यह है कि कृष्ण और बलदाव की बाल रूप प्रतिमाएं सिर्फ और सिर्फ यहीं बिकती हैं। मेले में आने वाले कुछ खरीदें या न खरीदें, लेकिन अपने घर इन प्रतिमाओं को जरूर ले जाते हैं और साल भर पूजा करते हैं। यहाँ से खिचड़ जाने के बाद गोविंद दशमी का मेला शुरू होता है। मेले में श्रृंगार सामग्री, चटैया, जलेबी, चाट पकौड़ी से लेकर घरेलू उपयोग के सामानों की दुकानें लगी हुई थी। हर साल अपनी जरूरत के सामानों की खरीदारी कर रहा था। बच्चों की भीड़ खिलौने, गुब्बारे और जलेबी पकौड़ी की दुकानों पर रही, तो वहीं बड़ों का ध्यान घरेलू सामानों पर था। संतों की समाधि स्थल के पास सुबह से ही माला, फूल, अगरबत्ती बेचने वालों के साथ अन्य दुकानदारों ने भी अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। मेले में पहुंचने वालों ने संतों की समाधि पर शीश झुकाने के बाद सबसे पहले बाल रूप की कृष्ण बलदाव की प्रतिमा की खरीदारी की।
प्रतिमा खरीदने के बाद लोगों ने मकई का परमल खरीदा, जिसे खरीदना बेहद ही खास माना जाता है। इसके साथ ही साथ राम बारात व राम जानकी विवाह का भी आयोजन संपन्न होता है। ये बाल गोविंद बाबा को दर्शन दिए थे, ये परम्परा चली आती है। ये बाल गोविंद जी का मेला लगता है बाबा राजघाट का, और राम जानकी विवाह जो है उस राम बारात निकलती है और राम विवाह होता है, ये सब कार्यक्रम मेला का सब चलता है। कब से चला रहा है ये? 500 बरस से पहले से चला रहा है। और बाल गोविंद जी जो दर्शन दिए थे, ये बाल महाराज जी अपने बाला रूप में दर्शन देने के बाद यहाँ सब प्रोग्राम उसे ही चलता आता है, अब तक चला हो रहा है। और बाल गोविंद जी कहीं इसी मेले में बाल गोविंद जी दिखते हैं। राम विवाह ये 2 बजे से स्टार्ट होगा, रात को 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। क्या महत्व है इसमें? ये महत्व बहुत बड़ा है। ये खिचड़ यहाँ से जो उठ के यहाँ से मेला खत्म होता है, ये खिचड़ फिर गोविंद साहब जाता है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस के चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, ICU, ICCU, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में। USA, लंदन, बहरेन, UAE सहित देश विदेश में 100 आउटलेट, वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलेट पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़।